हेलो एवरीवन, वेल कम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण का अक्टूबर महीने का जो मैगजीन है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको मालूम है कि प्रतियोगिता दर्पण जो है एक काफ़ी अच्छी मैगजीन है और इसके अंतर्गत जो है आपका करेंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से कवर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक रिलायबल आपका मैगजीन है, मतलब आपको इसमें जो है कंटेंट लेवल पे काफ़ी कम गलतियां देखने को मिलेगा और जो भी इसमें करेंट अफेयर जो है आपको कवर किया जाता है काफ़ी डिटेल में कवर किया जाता है, जिससे जो है वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट इसमें जो है आपको मौजूद होते हैं, जिससे कि आपको कोई भी मतलब उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो इसमें छूटता नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है इसका MCQ फॉर्मेट लेके आए हैं। MCQ फॉर्मेट में हम लोग करते क्या है कि इसके जितने भी टॉपिक हैं, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, विविध, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है वो MCQ को यहाँ पे कवर किया जाता है। तो इसलिए अगर आपने ये मैगजीन पढ़ लिया है तो आपको और भी फायदा पहुँचाएगा कि आप इससे रिलेटेड जो कंटेंट है उस पर जो है आप MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और आपको बता दें कि इस महीने का जो आपका प्रतियोगिता दर्पण है, मतलब अक्टूबर महीने का जो आपका प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें मालूम होगा कि इसमें आपको कंटेंट कौन सा होता है। देखो, ये दर्पण आया है आपका सितंबर में, लेकिन इसका नाम है आपका अक्टूबर और ये आपका जो है इसमें अगस्त और सितंबर दोनों के टॉपिक जो है इसमें कवर है। सितंबर के भी कुछ टॉपिक जो है इसमें कवर किए गए, जैसे आदित्य एल्बम वगैरह का जो है टॉपिक इसमें अच्छे से कवर किया गया है। तो ये तो इसका नेम से रिलेटेड हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका जो है समरी क्या है, अर्थात कौन कौन से टॉपिक जो इसमें कवर किए गए हैं, तो देखो चंद्रयान 3 को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी को जो है ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है वो कवर है। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड और भी स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड फैक्ट है वो आपका यहाँ पर कवर किया गया है। इकोनॉमिक्स में जो मौद्रिक नीति जारी हुई है वो कवर है। नाइजर में जो सैन्य विद्रोह हुआ है वो आपका कवर किया गया है और भी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर कवर किया गया है। उन सभी टॉपिक को जो है हम लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें तो हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसके अलावा जो है आपको सार संग्रह भी जो है इससे रिलेटेड वो हम लोग जो है कवर करेंगे और वो बाद में आएगा, पहले ही आपका करेंट अफेयर्स बड़ा कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग उसे कवर करेंगे, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने कितना अप्रैल से लेके, ठीक है, अप्रैल 2023 से लेके जो है आपका अभी तक का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो आपको भी अच्छे से कवर किया गया है और सभी जो है आपका चैनल पे एक प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। तो आप चाहे तो अगर पिछले महीने का आपने दर्पण नहीं देखा है तो आप वहाँ से भी जाके उसे देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें इसके PDF की, तो इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे स्टडी सेंटर आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करके जो है आप PDF ले सकते हो। PDF आपको दोनों फॉर्मेट में होगा, एक में सिर्फ क्वेश्चन होंगे और एक में क्वेश्चन और विथ आंसर दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि इस बार का जो आपका करेंट अफेयर्स है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक को जो है वो आपका कवर किया गया है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा जो है इस बार का कंटेंट के मामले में आपका करेंट ये दर्पण है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी लंबा हो रहा था तो हम लोगों ने जो है इसे दो पार्ट में लाने का फैसला किया। पार्ट वन में जो है जो आज आपका कवर हो रहा है उसमें हम लोगों नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में जो बाकी के टॉपिक बच जाएंगे उन सारे टॉपिक को आपको कवर किया जाएगा। देखो, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको जो कंटेंट यहाँ पे MCQ प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करवाया जाए और आप जो है उसे इंजॉय कर के देख सके। और दूसरी बात ये कि कोई भी टॉपिक जो है, छोटा से छोटा टॉपिक भी जो है वो आपका छोड़ा ना जाए और वो आपको अच्छे से कवर किया जाए, इसलिए इसे दो पार्ट में लाया गया है। तो आप दोनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज कई सेशन। जो पहला टॉप क्वेश्चन है वो आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम से है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। पूछा ये जा रहा है कि वर्ष 2023 में भारत ने अपनी आज़ादी का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, 76वां, 77वां, 75वां या 78वां। देखो, हम लोग आज़ाद कब हुए थे, हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा जो पहला स्वतंत्रता दिवस होगा वो कौन सा होगा, ये हमारा यही होगा, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ही हमारा पहला होगा। और आज जो है हम लोग 2023 में हैं, तो 2023 अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये आपका जो है 3 साल, अगर आप इधर ले लो और इधर जो है आप
23 और यहाँ पे आपका 50, लेकिन हम लोग 3 साल नहीं काउंट करके 4 साल काउंट करेंगे, क्योंकि 1947, 1948, 1949 और 1950, ये 4 साल यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये चारों साल हम लोग जो है दिवस मनाए, तो ये आपका 4 साल यहाँ हो गया, 23 साल इधर और 50 इधर, तो ये आपका टोटल जो है 77 आ जाएगा। इसलिए आपका जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो है वो सालगिरह को काउंट करने लगता है। सालगिरह का मतलब ये हुआ कि हम लोग आज़ाद हुए 47 में और पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोग काउंट कर रहे हैं 1948 से, तो वो क्या हुआ कि एनिवर्सरी हो गया, तो एनिवर्सरी को काउंट नहीं किया जाता, हम लोग जो है दिवस को काउंट करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि वर्ष की गणना ठीक 15 अगस्त 1947 से करते हैं और इस पहले वर्ष के रूप में ही जो है हम लोग 1947 को काउंट करते हैं। इसलिए हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो इस बार का 77th है। ठीक है, तो ये आपका जो कन्फ्यूजन होता होगा वो अब दूर हो गया होगा। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक दिया हुआ है इमेज, जिसमें दिखाया हुआ है कि हमारा जो इस बार का स्वतंत्रता दिवस था वो आपका 77th था। ठीक है, दूसरे अगर टॉपिक की बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा, सॉरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये उनका एक अभिभाषण होता है जो 15 अगस्त के ठीक पहले होता है, संध्या में होता है, और ये इनका जो है सेकेंड है, कौन सा है, दूसरा इनका जो है संबोधन है। कारण ये है कि 25 जुलाई 2022 को जो है ये राष्ट्रपति बन गई थी और इसलिए इनका पहला जो है 2022 में ही संबोधन हो गया था और ये इनका दूसरा संबोधन राष्ट्र के नाम था 15 अगस्त के दिन। तो ये इन दोनों टॉप मतलब जो पॉइंट है उनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, 2050, 2047, 2060 या 2070। तो याद रखिएगा भारत जो है 2047 तक, ठीक है, जब हम लोग अपना आज़ादी का जो है वो 100वां दिवस मना रहे होंगे तब हमारा जो है देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 2047 तक जो है ये आपका टारगेट रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें 2070 की, तो 2070 क्या है कि 2070 का टारगेट रखा गया कि हमारा देश जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाए, उसका लक्ष्य जो है वो रखा गया 2070। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत ने जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है, तो 2070 तक। आगे है कि अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन ANRF की स्थापना में सरकार अगले 5 वर्षों में कितनी राशि का निवेश करेगी। देखो, जो आप का अगस्त महीने का मैगजीन था उसमें ये कंटेंट को हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें पूछा गया था कि देश में उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास के लिए किस नए संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था प्रस्तावित है, ठीक, लेकिन अब वो आपका कौन सा था, NRF था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि इसमें जो है कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है, साइंस एंड टेक के डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है, और इसमें जो पदेन मतलब जो एक बॉडी बनी है गवर्नमेंट बॉडी उसके अध्यक्ष PM होंगे, फिर कौन कौन से होंगे, शिक्षा मंत्री और साइंस एंड टेक के मंत्री होंगे, और ये जो है जो आपका NRF होगा वो किसका स्थान लेगा, तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जो है उसका स्थान लेगा। ये सारा चीज़ जो है आपको बताया गया था अगस्त वाले PD में। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड डेवलपमेंट ये है कि अब इसका नाम जो पहले आपका NRF प्रस्तावित था, ठीक है, पहले क्या था, NRF प्रस्तावित था, अब उसी का नाम यहाँ पे कर दिया गया है ANRF, ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो ANRF जो है इसका नाम हो गया है, और इसी में अगले 5 साल में जो है गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि हम इसमें जो है 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। और ये अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि अगस्त में जो है इससे रिलेटेड एक बिल जो है वो आपका संसद में पेश कर दिया गया है, ठीक है, तो उसे पारित कर दिया गया, तो उससे रिलेटेड न्यूज होने के कारण ही जो है ये आपका चर्चा में था। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह फाउंडेशन जो है आपका महाविद्यालय विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों में जो है शोध और विकास को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है उसमें ये पूछा जा रहा है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखो, यहाँ पूछा जा रहा है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में। अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो है
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है लाल किले पे, कितनी बार? तो 17 बार। उसके बाद इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 16 बार, मनमोहन सिंह के द्वारा 10 बार, और ये तीनों जो है वो आपका कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं वो आपका जो है नन कांग्रेस है, और इसलिए पूछा गया कि नन कांग्रेस में सर्वाधिक बार जो है झंडा फहराने वाले कौन है, तो वो आपका नरेंद्र मोदी 10 बार हो गए, और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। तो ये फैक्ट को जो है आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो एक भी बार झंडा नहीं फहराया। तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो चंद्रशेखर, जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे उनके द्वारा जो है एक भी बार झंडा नहीं फहराया गया था, और दूसरी जो है गुलजारी लाल नंदा थे, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन 1 बार भी इन्होंने जो है ध्वजारोहण लाल किले पे नहीं किया गया था। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा जो है लाल किले पे ध्वजारोहण नहीं किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि 17 सितंबर से बढ़ई और लोहार जैसे परंपरागत कार्य करने वाले लोगों के लिए किस नई योजना की शुरुआत तो होगी। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब लाल किले से भाषण दिया जा रहा था तो वहाँ पे उन्होंने जो है इस योजना के बारे में बात की थी कि 17 सितंबर से जो है जो विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है हिंदू धर्म में, तो उस में दिन जो है विश्वकर्मा पूजा के दिन से जो है आपका विश्वकर्मा योजना शुरू किया जाएगा, ठीक। और ये विश्वकर्मा योजना होगा किसके लिए, तो बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, या फिर आपका कुम्हार हो गए, तो उस टाइप से जो भी मतलब एक जातिगत जो आपका परंपरागत कार्य है जो किया जाता है, तो उन लोगों के लिए ये योजना लाई जा रही है, और उन लोगों को जो है और स्किल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपने क्षेत्र में और अच्छे से काम कर सके, तो उनके लिए ये योजना लाई जा रही है। हालांकि इसके ऊपर जो है बाद में और डिटेल आएगा, तो आपको जो है आगे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक। और देखो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कुछ और चीज़ों की भी घोषणा की गई थी इस भाषण के दौरान, जैसे कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है 2 करोड़ लखपति दीदी जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को जो है वो बोला गया कि ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये दोनों घोषणाएं भी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी वर्तमान में किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। वायनाड लोकसभा क्षेत्र केरल, वायनाड लोकसभा क्षेत्र तमिलनाडु, कोल्लार लोकसभा क्षेत्र तमिलनाडु, और कोल्लार लोकसभा क्षेत्र केरल। देखो आपको मालूम होगा कि जो आप राहुल गांधी हैं उनके ऊपर जो है वो मोदी सरनेम के ऊपर जो है टिप्पणी करने के कारण इनके ऊपर केस हो गया था, और गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो है मतलब इन्हें निलंब, गुजरात का जो कोर्ट था उसके द्वारा निलंबित कर दिया गया था। फिर बाद में ये केस जो है आगे जाता है, हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस निलंबन को खारिज कर दिया है, और बोला गया कि इतना मतलब कठोर सजा देने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो उसके बाद जो इनका लोकसभा सदस्यता जो छीन गया था वो वापस से बहाल हो गया। तो आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राहुल गांधी जो है वो किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे या जीते हैं। तो याद रखिएगा वायनाड लोकसभा क्षेत्र तमिलनाडु से जो है ये वर्तमान में निर्वाचित हैं, और इन्होंने जो भाषण दिया था वो कोल्लार लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने दिया था, ठीक है, कोल्लार लोकसभा क्षेत्र में, और वो कोल्लार लोकसभा क्षेत्र आपका जो है वो कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। खैर आपको उतना नहीं पूछा जाएगा, बस ये आप ये याद रखिए कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, ठीक। तो ये मेनली आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, और वहीं सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया कि उनका जो है सदस्यता आप वापस से बहाल कर दिया गया है। आगे कि हाल ही में अगस्त 2023 में किस मुद्दे को लेकर लोकसभा में वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आपको मालूम होगा कि लोकसभा में जो है अगस्त 2023 में जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो किस मुद्दे से संबंधित था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस संबंधित मुद्दा, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर, चुनाव आयोग की नियुक्ति संबंधी नए प्रावधान पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा मणिपुर जो हिंसा हुआ है उसी के मुद्दे पर चर्चा करने पे जब ये गवर्नमेंट राजी नहीं होती है तो लोकसभा में जो है ये अविश्वास प्रस्ताव गवर्नमेंट के लिए लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, और ये लाया किसके द्वारा जाता है, तो ये कांग्रेस के जो उपनेता है श्री गौरव गोगोई उनके द्वारा लाया जाता है मणिपुर हिंसा को लेके। और उसका एक नियम है कि किस नियम के तहत ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो नियम 198 के तहत जो है ये आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में।
देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? आर्थिक पिछड़ा वर्ग को पुनः परिभाषित करने से, अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न उपवर्गों को विभाजन से, अनुसूचित जाति में आर्थिक रूप से आरक्षण प्रदान करने में, अनुसूचित जनजाति में आर्थिक रूप से आरक्षण प्रदान करने से। तो देखो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओबीसी में के विभिन्न उपवर्गों के विभाजन से, उससे रिलेटेड जो है रोहिणी आयोग का स्थापना किया गया था और इसका गठन किया गया था 2017 में ही, ठीक है। और इसे बोला गया था कि ये अपना रिपोर्ट जो है 12 सप्ताह के भीतर ही दे देगी, लेकिन ये अपना रिपोर्ट जो है वो 31 जुलाई 2023 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सौंपती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो ओबीसी के विभिन्न उपवर्गों में विभाजन से। और इसमें काम इसका क्या था, तो ओबीसी की जो है 27% जो आरक्षण है और अन्य सरकारी लाभों में कितनी जाति को कितना परसेंट का लाभ मिल रहा है उसका पता लगाना था। दूसरा ये कि ओबीसी में बहुत सारे ऐसे जाति हैं या उपजाति या उपवर्ग हैं जिन्हें जो है इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसे और तार्किक बनाने के लिए जो है ये आपका लाया गया था। ये आरक्षण को हटाने के लिए नहीं लाया गया है, तो उसे आप निश्चिंत रहिएगा, ये बस उसे और भी जो है लॉजिकल बनाने के लिए आपका लाया गया है रोहिणी आयोग। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नए आयोग का गठन किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है एक आयोग का गठन किया गया है, आयोग का नाम है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके लिए जो है एक विधेयक लाया गया और उस विधेयक के द्वारा जो है इस आयोग का गठन किया गया, विधेयक 2023 था इसी से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें बोला यह गया है कि इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 12 सदस्य होंगे और जिनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष होगा या अधिकतम जो है 65 वर्ष की आयु तक होगा, उनके द्वारा जो भी कॉलेज से या फिर इनसे रिलेटेड जैसे बेसिक शिक्षा रिलेटेड हो या फिर उस शिक्षा या अल्पसंख्यक कॉलेज इनसे रिलेटेड जो भी शिक्षक हैं सहायक हैं उन सभी की नियुक्ति जो है अब इस आयोग के द्वारा किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई है, ठीक। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका प्रयागराज में है, तो जो यूपी वाले हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका मुख्यालय कहाँ है और बाकी डिटेल। ऐसे आप ओवरऑल बस याद रखिएगा कि यूपी के द्वारा जो है एक आयोग का गठन किया गया है, उस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि शिक्षा से संबंधित जो भी नियुक्तियाँ होंगी उनसे रिलेटेड ये काम करेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना का कार्य पूर्ण किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा बिहार। देखो हुआ ये कि बिहार सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी पहले ही, जाति आधारित जनगणना जो है इसका पहला चरण आपका 7 जनवरी 2023 को ही प्रारंभ हो गया था। उसके बाद इसका सेकेंड फेज जो है वो 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ, लेकिन बीच में जो है हाईकोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में केस होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर बाद में जब इस के ऊपर से एफ टी हटा तो फिर अभी जो है इसका कार्य पूर्ण कर दिया गया। हालांकि अभी इसका रिपोर्ट जो है मतलब जो भी बन के आया है वो इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये बन के अब तैयार हो गया। तो बस आपको इतना याद रखना कि जाति आधारित जनगणना जो है वो बिहार में करवाया गया है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में भारतीय नौसेना के कितने फ्लीट सपोर्ट शिप्स FSS के निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है? देखो ये आपका जो है डिफेंस रिलेटेड प्रश्न है और डिफेंस रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर अगर आपका NDA और CDS का एग्जाम है तो वहाँ पे तो और भी खासकर पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रश्न, तो आप इसे जो है जरूर ध्यान में रखें। नेवी ने जो एक्चुअली अभी एक डील किया है रक्षा मंत्रालय ने, वो किसके साथ किया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया है। और इसमें ये करेंगे क्या कि 5 जो है फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनवाएंगे, कितने, तो 5 का निर्माण करवाएगा। और ये 5 जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स है इसका काम क्या रहेगा, तो जैसे देखो आपका एक मालवाहक जहाज होता है ना, ठीक है, मालवाहक जहाज होता है उसी टाइप का ये जो है काम करने का काम करेगा। ये 44,000 टन तक क्षमता वाला जो है ये एक पोर्ट हो मतलब एक आपका जो है सीप होगा और इसमें आप युद्ध पोत का ईंधन रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, गोला बारूद और भी जो सामग्रियां हैं जो कि आपको नेवी
की को जरूरत होता है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रखा जाएगा। और इतना हैवी पहली बार जो है भारत में ये बनाया जा रहा है और एक तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो 19,000 करोड़ रुपये का जो है ये डील आपका किया गया है। किसके साथ? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और ये है कहाँ पे? ये आपका विशाखापट्टनम में है। ये वो करंट की खासियत यही होता है कि उसे जो है एक ही टॉपिक को अलग अलग घुमा के आपका पूछा जा सकता है। इसी को आपको और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी के लिए जो है फ्लीट सपोर्ट शिप्स की निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। अब उसी में आपका एक हिंदुस्तान शिपयार्ड दे दे, दूसरा जो है कोची शिपयार्ड का नाम दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से दो तीन नाम देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया जाएगा। आगे कि राजस्थान में वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? देखो राजस्थान में जो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो बढ़ के अब 50 हो गया है। पहले जो है यहाँ पे जो जिलों की कुल संख्या थी वो 33 थी, लेकिन क्या कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बजट में ये अनाउंस किया गया था कि हम लोग जिलों की संख्या को बढ़ाएंगे, और फिर अभी जो है 7 अगस्त 2023 को इसकी औपचारिक मान्यता दे दी गई है, ठीक है। मतलब ये कार्य आपका पूरा कर दिया गया, तो इस दिन से ही जो है नए जिलों की स्थापना मानी जाएगी। तो अब बढ़ के वहाँ पे जिलों की जो संख्या है वो 33 से बढ़ के 50 हो गया, और जो डिवीजन है, ठीक है, जो संभाग है उसमें भी 3 की वृद्धि हुई है, और 7 से बढ़ के अब 10 डिवीजन जो है राजस्थान में हो गए हैं, ठीक है। और तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे 50 हो गया। और अगर भारत में बात करें कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मध्य प्रदेश में आपका 52 जिले हैं, और राजस्थान में जो है वो अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं, 50 जिले हैं। एक प्रश्न आपका ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका जिले का निर्माण है वो किस कमेटी के अध्यक्ष की सिफारिश पे हुआ है? तो वो राम लुभैया कमेटी जो है उसकी सिफारिश पे हुआ है। हालांकि राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान का जो एग्जाम है वहाँ पे ये ज़्यादा डिटेल में पूछा जाएगा। ओवरऑल बस आप याद रखें कि राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो बढ़ के 50 हो गई है, 19 जिलों का जो है नया निर्माण किया गया है। और राजस्थान का अगर सबसे बड़ा जिला की बात करें तो जैसलमेर जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला होगा, और सबसे छोटा जो है दुद्दू होगा। वहीं जो है डिवीजन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो जिला होगा वो आपका जयपुर ग्रामीण होगा, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट उससे रिलेटेड था। देखते हैं अगले प्रश्न को। केरल राज्य का नया नाम क्या हो गया? केरल राज्य ने जो है अपना नाम चेंज किया, उसने अपना नाम जो है वो केरलम कर लिया। क्या कर लिया? केरलम। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, केरल पट्टनम, केरलम, मालाबार या चेरलम। देखो और चेरलम जो है ये भी जो केरल का पुराना नाम है, ठीक है। प्राचीन जो विदेशी या यावर थे वो जो है इसे मलाबार के नाम से जानते थे, और उसके पहले जो है आप अगर देखोगे तो इतिहास में चेर राजा यहाँ पे शासन किया करते थे, इसलिए केरल को चेरलम भी बोला जाता, चेरा का राज्य, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके नाम है, लेकिन वर्तमान में जो है इसने सिफारिश किया है केंद्र सरकार से कि जो पहली अनुसूची है, ठीक है, संविधान की, और 8वीं अनुसूची, उन सभी में केरल का नाम जो है चेंज करके केरलम कर दिया जाए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, केरलम क्या है कि वो मलयालम में जो है इसका सही नाम जो है वो केरलम होना चाहिए, इसलिए इसने अपना नाम चेंज करके केरल से केरलम कर दिया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 पारित किया गया, यह किसका स्थान लेगा, ठीक है। तो ये आपका पारित किया गया और पूछा गया है कि ये किसका स्थान लेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका ये है, या फिर आप मान सकते हो कि आपका ऑप्शन पहला जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2000, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1993, या फिर जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1992, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 का जो है वो अब स्थान लेगा जन्म मृत्यु और पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023। देखो मोटा मोटी इसमें बोला ये गया है कि अब आपको अगर जन्म मृत्यु पंजीकरण बनवाना है तो उसके लिए जो है अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह किन्हीं का बना रहे तो उसके लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया, इसीलिए जो है उसमें ये संशोधन किया गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि पहले 1969 था, अब जो है 2023 हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए पहली बार चीतों को कब भारत लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17 सितंबर 2022। देखो 17 सितंबर को जो है
वो आपका नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है, और उसी दिन जो है वो आपको भारत में चीता पुनर्वास का कार्य शुरू किया गया था, और पहली बार जो है 8 चीतों को जो है नामीबिया से लाया गया और उसे छोड़ा गया था कुनो नेशनल पार्क में। फिर बाद में जो है 12 चीतों को जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लाया जाता है और उसे भी जो है वो कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाता है। हालांकि काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे चेंज होता है और कई सारे चीते यहाँ पे मर जाते हैं। ठीक, अगर वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो वर्तमान में अभी चीतों की अगर संख्या देखा जाए तो अभी वहाँ पे कुल जो है एक शावक सहित कुल 15 चीते जीवित हैं। ठीक है, एक शावक जीवित है और 15 चीते जो हैं वो अभी जीवित हैं। हालांकि जो भी एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि काफ़ी लंबा टाइम लगता है इन्हें जो है सर्वाइव करने में। जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि साउथ अफ्रीका में जो है चीते के पुनर्वास करने में जो 24 साल का टाइम लग गया था, तो इनकी मृत्यु जो है वो होती रहेगी और फिर नए चीते लाए जाएंगे, तो उस टाइप से एक मेंटेन करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है उसे रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसी से एक रिलेटेड न्यूज़ ये है कि देश में चीता पुनर्वास कार्य परियोजना जो है उसका 3rd चरण को अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से जो है 12 और चीतों को लाया जाएगा। और उसके तहत क्या है कि जो आपका जो ये आपका लाया कहाँ जाएगा, तो ये जनवरी 2024 में लाया जाएगा, और इसे रखा कहाँ जाएगा, तो ये आपका जो है एमपी का एक पार्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका एक जगह है गांधी सागर अभयारण्य। ठीक है, गांधी सागर अभयारण्य, वहाँ पे जो है इन चीतों को लाके रखा जाएगा गांधी सागर अभयारण्य में। हालांकि अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, जैसे जैसे इसमें जो है मतलब आपका न्यूज आएगा वो ये आपको कवर कर लिया जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया। ऑप्शन है PSLV C-55, 57, GSLV M3, M4 या LV M3, M4। इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C-57 के द्वारा जो है इसरो ने जो है आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया है। कहाँ से किया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें LV M3, M4, तो ये आपका लॉन्च व्हीकल Mark 3 M4 है, जो जिसका पुराना नाम जो है आपका GSLV M3, M4 है, और इसी से जो है आपका चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है वो आपका इससे किया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात करें आपका आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 जो है 2 सितंबर को आपका लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, तो 2 सितंबर 2023 को जो है ये लॉन्च किया गया, और ये भारत का जो है सूर्य से रिलेटेड ये आपका पहला ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्ट्री क्लास सोलर मिशन, ये पहला आपका जो है सोलर मिशन है इंडिया का। और यहाँ पे फिर आगे बताया गया है कि जो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, ठीक है, और जहाँ पे ये आपका स्थापित किया जाएगा, ये आपको 1.5 मिलियन किलोमीटर पे स्थापित किया जाएगा, जो कि अर्थ से जो मून की दूरी है उसका 4 गुना यहाँ पे बताया जा रहा है। खैर उतना आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि इसे जो स्थापित जो किया जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे किया जाएगा, और जो पॉइंट है जहाँ पे ये स्थापित होगा वो आपका L1 पॉइंट कहलाता है, इसलिए इसका नाम जो है आदित्य L1 बोला गया। ठीक है, और इसे टोटल टाइम कितना लगेगा, इसे कुल समय जो है वो 127 दिन जो है पूरा टाइम लगने वाला है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पे एक फैक्ट और बताया गया कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो आपका 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और जबकि यह स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है, तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे आपका स्थापित किया जा रहा है। फिर आगे बताया गया है कि इसका जो निर्माण है वो बेंगलोर स्थित जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसके द्वारा किया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, या फिर आपको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसका आपका मुख्यालय कहाँ है या फिर ये स्थित कहाँ पर है, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, उसके बाद फैक्ट बताया गया कि भारत जो है वो USA, जापान, यूरोप और चाइना के बाद सूर्य का अध्ययन करने वाला जो है देश बन गया है। ठीक है, मतलब कि आपका 5वां देश इस अनुसार जो है वो आपका इंडिया बन गया है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी
काम जो है आखिर ये आपका करने वाला है, जो आपका आदित्य एलवन है ये काम क्या करेगा। तो देखो हम लोग को मालूम है कि जो सूर्य के बाहरी भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है, कोरोना। तो ये उसका जो है हीटिंग है उसका अध्ययन करेगा कि उसमें हीटिंग क्यों है, और जो सोलर विंड है उसके जो है एक्सेलरेशन का अध्ययन करेगा। तो एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि ये जो है कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ सोलर एटमोसफेयर, ये सूर्य का जो एटमोसफेयर है उसका भी अध्ययन करने का काम करेगा। थर्ड काम ये है कि ये सोलर पे जो विंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी अध्ययन करने का काम करेगा, और टेम्परेचर का जो उससे रिलेटेड भी जो है अध्ययन ये करेगा कि आखिर इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या है। इसके अलावा बताया गया है कि इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन फ्लेयर एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर को भी ये अध्ययन करेगा। एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो है टोटल 7 पेलोड है, ठीक है, 7 पेलोड है, जिसमें 4 पेलोड जो है वो आपका सन का अध्ययन करेगा और 3 पेलोड जो है वो आपका अर्थ का अध्ययन करेगा, ठीक है। अर्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरीके से जो ये रेज अर्थ की ओर जा रहा है, उन सारी चीज़ों को जो अध्ययन करने का काम यहाँ पे करेगा। तो 7 पेलोड यहाँ पे लगाए गए हैं। कुछ और भी यूनिक चीज़ आदित्य एलवन के बारे में है वो भी जान लेते हैं। बोला जा रहा है कि पहली बार जो है कोई भी जो कि सोलर डिस्क में जो यूवी बैंड है उसका अध्ययन करने का काम करेगा। इसके अलावा जो आपका सीएमई है, सीएमई मतलब कि कोरोनल मास इंजेक्शन, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे अध्ययन ये करने वाला है। हालांकि हम लोग और डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना आप जान लीजिए कि आदित्य एलवन लॉन्च किया गया है और ये सारे जो उसके मेन मेन कार्य हैं, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि दिल्ली में अफसर की नियुक्ति और तबादले के लिए गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा ये आपका पूछा जा रहा है। देखो हाल ही में क्या हुआ है कि दिल्ली में एक नया आपका विधेयक पारित हुआ है, और उसके अंतर्गत क्या है कि जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष तो आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री ही रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा जो आपका निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम नहीं होगा, वो उपराज्यपाल के द्वारा जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मतलब जो भी अगर ये कमेटी फैसला करती है उसे पलटने का काम जो है वो दिल्ली का उपराज्यपाल कर सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। और जो विधेयक लाया गया है वो उसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023, तो ये आपका लाया गया है और इसी को जो है दिल्ली सेवा विधेयक के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। पहले क्या था कि इससे रिलेटेड जो है एक अध्यादेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और अब उसी अध्यादेश को जो है वो अब कानून का रूप दे दिया गया एक विधेयक ला के। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखें। तो ये देखो ये आपका नेशनल का जो है वो आपका पार्ट कंप्लीट हुआ, और नेशनल के जितने भी टॉपिक थे उन सारे टॉपिक को जो है यहाँ पे कवर किया गया है। अब हम लोग जो है इंटरनेशनल वाले टॉपिक को देख लेते हैं। पहला है कि अनवर उल हक काकर किस देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है कि 9 अगस्त को जो है संसद को भंग कर दिया गया है, और उसके बाद बलूचिस्तान आवामी पार्टी के जो सीनेटर है अनवर उल हक उन्हें जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। और ये क्या करेंगे कि जब तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक वहाँ पे नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक वो जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर आगे एक और न्यूज़ था कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनके ऊपर जो है 3 वर्ष का सजा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया, और वो जो है अगला जो इलेक्शन है वो वहाँ पे नहीं लड़ पाएंगे। तो खैर आपको बस इतना याद रखना है कि इमरान खान को जो है 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में किस अफ्रीकी देश में सैनिक विद्रोह के कारण अफ्रीकी यूनियन से उसकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है, ठीक है, किसी एक देश में जब जो अफ्रीकी यूनियन का पहले मेंबर था वहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ है और उसके कारण जो है अफ्रीकन यूनियन ने उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दिया है, तो वो कौन सा देश है। देखो ऑप्शन को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन में आपको माली मिलेगा, फिर बुर्किना फासो है, नाइजर है और गिनी है, लेकिन इसका सही आंसर आपका नाइजर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि 26 जुलाई 2023 को जो है नाइजर में सेना ने जो है राष्ट्रपति मोहम्मद बजैम को गिरफ्तार कर लेता है, और वहाँ पे जो है एक नई सरकार का गठन कर दिया जाता है सेना के जो हेड होते हैं कमांडर होते हैं उनके द्वारा, और उसी के बाद जो है ये फैसला लिया जाता है जो अफ्रीकी यूनियन है उन्हें जो है अफ्रीकी यूनियन जो है वो नाइजर को अफ्रीक
का जो सदस्यता है वो आपका निरस्त कर देता है। तो ये आप याद रखिए, काफ़ी बड़ा न्यूज है। किसी भी देश का जो है मेंबरशिप अगर खत्म किया जाता है तो वो अक्सर एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। अब वहीं अगर बात करें नाइजर की, तो नाइजर जो है आपका एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि 7 कंट्री से घिरा हुआ है। कौन कौन? तो अल्जीरिया, माली, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन और बुर्किना फासो। ये 7 ऐसे कंट्री है जिससे कि नाइजर जो है वो घिरा हुआ है। वहीं एक और आपको पॉइंट दिया हुआ है कि नाइजर जो है वो अगस्त 1960 तक फ्रांस का उपनिवेश था, और ये जो आपका एक तख्ता पलट हुआ है उसके बाद फ्रांस के खिलाफ काफ़ी यहाँ पे नारेबाजी किया गया और रूस के सपोर्ट में जो है यहाँ पे बातें की जा रही है, ठीक है। तो उसके कारण भी जो है फ्रांस और यूएसए दोनों यहाँ पे अटैक करने की बात की कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। फिर एक और यहाँ पे संगठन की बात की गई थी, इकोवेस। इकोवेस क्या है? तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, मतलब पश्चिम अफ्रीकी जो देश है उनका एक और ग्रुप है और उसी को इकोवेस नाम दिया गया। और ये कितने देशों का समूह है? तो ये आपका 15 देशों का समूह है। इस ग्रुप के द्वारा भी जो है ये आपका जो तख्ता पलट हुआ है उसका विरोध किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है इस बार 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ है वो हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल ये देख ले कि 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे देखो ब्रिक्स जो होते हैं ना वो अल्फाबेटिकली अपना सम्मेलन को होस्ट करते थे, जैसे ब्राज़ील किया, फिर रशिया किया, फिर इंडिया किया, फिर चाइना किया, फिर साउथ अफ्रीका किया। तो साउथ अफ्रीका के बाद फिर अगला जो करेगा वो आपका ब्राज़ील करेगा। तो इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट है उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वो सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। हालांकि अब इसमें काफ़ी चेंजेस होने वाला है। एक फैक्ट और याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो आपका सिरिल रामाफोसा हैं, ठीक। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया कि जो आपका 15वां ब्रिक्स है वो आपका आयोजित हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 को। और यहाँ पे एक बताया हुआ है कि ब्रिक्स पहले जो है ये ब्रिक था ब्राज़ील, रशिया, भारत और चाइना, 2006 में जो है इसके ऊपर बात की गई थी। फिर 2011 में जो है क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया जाता है और ये फिर आपका ब्रिक्स बन जाता है। और अभी का अपडेट ये है कि कुछ और भी देशों को जो इसमें शामिल किया गया है, तो वो कौन कौन से देश हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखो 15वें शिखर सम्मेलन में जो है वो आपका जो देश शामिल किया गया वो आपका अर्जेंटीना है, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है और संयुक्त अरब अमीरात है। अर्थात 6 देशों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे जो आपका ब्रिक्स देशों की कुल संख्या है वो 5 से बढ़ के कितना हो गया, तो 11 हो गया। तो एग्जाम में आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में किस देश को ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स की सदस्यता नहीं प्रदान की गई है? अर्जेंटीना, इराक, इथोपिया और मिस्र। तो इराक को जो है यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शामिल किसे किया गया? ईरान को शामिल किया गया। अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 ऐसे कंट्री है जिसे जो है ब्रिक्स का मेंबर बनाया गया। तो इन सारे चीज़ों के कारण जो है अभी तक जो आपका इक्वेशन था कि हाँ इतने % जनसंख्या है, इतना जो है GDP है, ये सारा जो है अब आपका चेंज होने वाला है। इसलिए आपको यही याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि 6 कंट्री मिला है और अभी तक जो है वो ये 5 कंट्री थे। और इनके जो मतलब राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें भी देख लेते हैं, अक्सर आपको जो है इन सारे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाता है। पहला अगर बात करें ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं लुइस इंसियो लुला डी सिल्वा, ठीक है। लुइस इंसियो लुला डी सिल्वा ये ब्राज़ील के अब भी राष्ट्रपति हैं। और आपको मालूम होगा कि G20 जो 2024 है उसका अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो वो आपका ब्राज़ील करने वाला है। मैं G20 का बात कर रहा हूँ, G20 जो है वो आप अगला जो है वो ब्राज़ील में होगा। फिर रूस के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, और इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसमें ये व्यक्तिगत रूप में मौजूद नहीं थे, बल्कि ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। फिर चीन के राष्ट्रपति जो है Xi Jinping है, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है सिरिल रामाफोसा है। तो ये आपका ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट था वो यहाँ पे आपका डिस्कस कर दिया गया, और ये भी बता दिया कि 16वां जो शिखर सम्मेलन है 2024 का वो आपका कहाँ पे होगा,
वो जो है आपका आयोजित होगा रूस में, ठीक है। इस बार अभी साउथ अफ्रीका में हुआ, तो अगला बार कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका के बाद जो है ये अगला बार रूस में होगा। रूस के कौन से शहर में होगा? तो ये आपका कजान में होने वाला है। रूस के कजान में जो है 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो ये आप याद रखें। आगे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ग्रीस या फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस। ग्रीस देश के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ये आप याद रखें। वहीं अगर बात करें ग्रीस के प्रधानमंत्री की, तो वो जो है क्रियाकोस मिटी सोटा किस जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है कटरीना साकाराला पुलू, और जो है वहाँ के राष्ट्रपति है, और इन्हीं के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार दिया गया ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 23, कि अगस्त 2023 में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है? फ्रांस, ग्रीस, यूक्रेन या तुर्की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। देखो अभी तक भारत ने जो है इसके साथ ही के नॉर्मल संबंध थे, लेकिन अब जो है भारत ग्रीस के साथ बोला है कि हम आपके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब कोई देश किसी और देश के साथ अगर रणनीतिक साझेदारी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों देश जो है अब डिफेंस के मामले में भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है सैन्य अभ्यास करना, जो हथियार है उनका जो है आयात निर्यात करना, इन सारे मामलों पे जो है उसमें वृद्धि होता है अगर कोई देश रणनीतिक साझेदार बन रहा है तो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ग्रीस के साथ जो है भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, रणनीतिक साझेदारी पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और एक इसलिए भी ये चर्चा में है क्योंकि ग्रीस का जो बाउंड्री है वो आपका तुर्की से लगा हुआ है, और ग्रीस और तुर्की में के जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, और तुर्की के द्वारा जो है वो भारत के खिलाफ काफ़ी सारे स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, पाकिस्तान का जो है की सपोर्ट करता है, तो ऐसे में ये एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखा माना जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने यह भी फैसला किया है कि 2030 तक जो है दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है वर्तमान जो स्तर है उससे दुगना करने का ये लोग लक्ष्य रखे हैं। कब तक? 2030 तक। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। आगे कि रूस द्वारा प्रक्षेपित किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा? देखो रूस के द्वारा जो एक चंद्र मिशन भेजा गया था लूना 25, और ये जो है चंद्र मिशन आपका जो है फेल हो जाता है क्योंकि लूना 25 जो है वो क्रैश लैंडिंग करता है, ठीक है। इसका संपर्क जो है टूट जाता है और ये क्रैश लैंडिंग करता है। और वहीं अगर बात करें इसका प्रक्षेपण का, तो ये जो है 11 अगस्त को ही 2023 को ही प्रक्षेपित किया गया था, और ये 20 अगस्त के आसपास जो है आपका क्रैश भी हो जाता है, 20-21 अगस्त के आसपास, तो ये काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है। और ये जा कहाँ पे रहा था? तो ये भी आपका जो है साउथ पोल पे ही जा रहा था, जहाँ पे आपका जो है चंद्रयान 3 लैंड किया, तो उसके लैंड करने के एक दिन पहले जो है वो जो है विफल लैंडिंग होता है, क्रैश लैंडिंग करता है लूना 25 का। हालांकि इसके पहले जो है रशिया वो चांद पे पहुंच चुका है, जो उसका लूना 24 था जब रशिया जो है आपका सोवियत यूनियन के रूप में था, तो 18 अगस्त 1976 को ये लूना 24 को जो है चंद्रमा पे उतार चुका है, तो ये जो है इसके बारे में था। अगर बात की जाए कि पहला वो देश कौन है जिसने चंद्रमा पे के ऊपर जो है वो लैंड किया था, तो वो भी आपका सोवियत यूनियन ही होगा। उसने जो है 1959 में ही जो है वो चंद्रमा पे लैंड कर लिया था, तो मतलब पहला देश वो बना था। उसके बाद फिर बाद में जाके 1966 के आसपास जो है वो आपका USA करता है। तो सबसे पहले 1959 में जो है वो सोवियत यूनियन ने लैंड किया था, और उसके बाद USA जो है वो आपका 1966 में लैंड करता है। फिर थर्ड कंट्री जो चंद्रमा पे लैंड किया था वो आपका चाइना बना। चीन जो है वो 2013 में लैंड कर चुका है चंद्रमा पे, और अभी 2018 में भी जो है वो उसका एक रोवर वहाँ पे गया था, ठीक है। तो ये सारा भी जो है आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को, पूछा जा रहा है किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री ने 38 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद अपना पद छोड़ दिया है, ठीक है। 38 वर्ष तक जो है वो PM के पद पे थे, उसके बाद इस्तीफा दिया, तो वो कौन है? तो वो आपका
कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये किया गया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने जो है अपना पद छोड़ा, लेकिन ये पद जो है अब किसके लिए छोड़ा, तो उनके जो बेटे हैं डॉक्टर हुन मानेट वो उनके लिए जो ये प्रधानमंत्री का पद छोड़ा गया। तो ये याद रखिएगा एशियाई देश कंबोडिया के द्वारा जो में ये घटना आपका घटित हुआ। कुछ और भी वन लाइनर है जहाँ से जो कि आप ध्यान में रखें, जैसे कि आप चीन जो है वो पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, ठीक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे CPEC भी बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसमें जो है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है उसको चीन का जो सिनचियांग प्रांत है उससे जोड़ने का काम किया जा रहा है। फिर कि म्यांमार में जो सैन तख्ता प्लेट फरवरी 2021 में हुआ था, बोला गया था कि अगस्त में जो है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो है इस आपातकाल में 6 महीने की और वृद्धि की गई है। और वहाँ पे म्यांमार में जो अभी सैन कमांडर हैं कौन, तो मिन आंग हलिंग जो है वहाँ के अभी सैन कमांडर हैं। ठीक, तो ये सारा आपका इससे रिलेटेड था। देखो इस बार का जो दर्पण है उसमें चंद्रयान 3 को काफ़ी डिटेल में कवर किया गया, तो हम लोग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे पॉइंट को देखेंगे जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि चंद्रयान 3 इसका प्रक्षेपण कब हुआ, तो 14 जुलाई 2023 को, इसने कितनी दिनों की यात्रा की, तो 41 दिनों की यात्रा की, इसने लैंड कब किया, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। प्रक्षेपण यान कौन सा था, तो LV-M3-M4 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, लॉन्च व्हीकल Mark-3 M4 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ बोला गया कि जो चंद्रयान 3 था उसमें था क्या, तो इसमें जो है आपका एक लैंडर है और एक रोवर है। ठीक, और इसके अगर पूरे वजन की हम लोग बात करें तो ये आपका 1752 केजी का था, जिसमें 26 केजी का आपका रोवर था। ठीक है, ये इसका बात किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल में चीज़ें बताई गई है, जैसे कि इसका लंबाई कितना था और फिर इसमें ये कितने चरण का था, तो याद रखिएगा कि ये 3 चरण का था, 2 ठोस ईंधन और 1 तरल ईंधन वाला ये था। ठीक है, और ये सारे फैक्ट तो आपको बता ही दिए। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो लैंडर है उसका नाम क्या था, उसका नाम आपका विक्रम लैंडर है, और जो रोवर है उसका नाम क्या है, तो वो आपका प्रज्ञान रोवर है। ठीक, रोवर जो रोवर पेलोड है वो काम क्या करेगा, तो ये लैंडिंग के आसपास जो है वो वहाँ पे चंद्रमा का मिट्टी और चट्टान में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं उन सभी का जो है ये अध्ययन करेगा। उसके लिए इसके पास स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप जो है इसके पास मौजूद है, तो वो सारे काम जो है इसके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए, इस लैंडर में जो है वो 4 पैर हैं। ठीक है, 4 पैर इस लैंडर के हैं और इस रोवर में जो है वो 6 पैर हैं, 3 एक साइड में और 3 एक साइड में। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने पैर हैं रोवर में। ठीक, अब उसी के बारे में कुछ और चीज़ें बताया गया है, जैसे हम आपको मालूम है कि ये आपका 23 अगस्त को जो है वो लैंड कर चुका है, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो कहाँ पे किया था, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे किया था, और ऐसा करने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया। और ऐसे हालांकि अब भी हम लोगों ने बात किया था कि चंद्रमा पे पहले जो है भारत से पहले USA, रूस और चीन, ये तीनों ने लैंड किया है, लेकिन भारत ने जो लैंड किया वो आपका दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया और उस मामले में पहला है, और ऐसे लैंडिंग के मामले में जो है ये 4th नंबर पे है। फिर आगे जो है इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई गई है, जैसे कि आपका चंद्रमा चंद्रयान जो पेलोड लेके गया है तो उसकी क्या क्या खासियत है, कौन कौन से पेलोड लेके गया और उसका क्या काम है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि एक इसने जो है चिफ लेके गया है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कि चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये एक पेलोड है, और ये करेगा क्या, तो जो चंद्रमा है उसका जो है वो टेम्परेचर मापने का काम करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर जो है वो मेजर करेगा। उसके बाद एक इल्सा नामक पेलोड लेके गया है जो कि यहाँ पे भूकंप का पता लगाएगा, और आपको मालूम है कि ये सारा चीज़ जो है इसके द्वारा कर लिया गया है सफलतापूर्वक। जो यहाँ का टेम्परेचर मेजर किया गया है वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस किया गया है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका सरफेस का किया गया, वहीं थोड़ा डीप में जाने पे जो है वो यहाँ पे -10 डिग्री दर्ज किया गया। ठीक है, जब 80 mm जब नीचे जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
तो ये चीज़ यहाँ पे किया गया। और देखो ये आपका जो साउथ पोल पे किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि इसने जो ये भी बताया कि हाँ चंद्रमा पे जो वो भूकंप आते रहते हैं। फिर कि इसमें जो है एक नासा का भी पेलोड था, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ठीक है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये आपका नासा के द्वारा था और ये चंद्रमा के डायनेमिक को समझने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। उसके अलावा एक रंभा नामक पेलोड है, ये क्या करेगा तो ये चंद्रमा की सतह पर सूर्य से आने वाले जो भी प्लाज्मा के कण हैं उनके घनत्व को देखेगा, उनकी मात्रा को देखेगा और उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं उन सभी की जांच करने का काम जो है वो रंभा पेलोड के द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर बात करें रंभा की, तो रंभा जो है वो रेडियो एंटोमी ऑफ मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, इसका जो है पूरा नाम है। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिए। देखो बहुत चर्चा में रहा था कि इस मिशन के डायरेक्टर कौन है, तो वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है। तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 के जो मिशन डायरेक्टर है वो आपके मोहन कुमार हैं। कौन है? मोहन कुमार। और एस सोमनाथ आपको मालूम है कि ये आपके इसरो के अध्यक्ष हो गए। और जो बीजू सी थॉमस हैं ये जो है रॉकेट के निदेशक थे, रॉकेट निदेशक बीजी थॉमस। मेनली आप ये याद रखना मिशन डायरेक्टर के बारे में कि वो मोहन कुमार हैं और इसरो के अध्यक्ष जो है वो एस सोमनाथ हैं। वहीं जो है परियोजना के निदेशक कौन है, तो परियोजना के निदेशक जो है वो बताया गया डॉक्टर पी बीरू मुथुबेल। डॉक्टर पी बीरू मुथुबेल को जो है मिशन जो चंद्रयान 3 मिशन था उसके परियोजना निदेशक के रूप में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया हुआ है कि जो आप एक मिनट, डॉक्टर पी बीर मुथुबेल जो है वो चंद्रयान 3 मिशन के जो है वो आपका परियोजना निदेशक है। वहीं जो आपकी कल्पना के हैं ये आपका जो है उप परियोजना निदेशक थी। और ऋतु करिधल श्रीवास्तव जो है वो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया है। और ये सारे जो है यहाँ पे पॉइंट बताए हुए हैं। देखो दो चीज़ें, एक है आपका रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया और एक है मिसाइल वुमेन। ठीक है, एक है मिसाइल वुमेन। मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है डॉक्टर टेसी थॉमस। ठीक है, इन्हें बोला जाता है मिसाइल वुमेन। ठीक है, मिसाइल वुमेन। और इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि अग्नि 4 अग्नि 5 जो मिसाइल है उस प्रोग्राम से ये जुड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है वहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया था, इसलिए इन्हें जो है वो बोला जाता है मिसाइल वुमेन। और जो आपका रितु करिधल श्रीवास्तव है उन्हें जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में क्या है कि आपका चंद्रयान 3 मिशन जो है इसमें बोला जा रहा है कि लगभग 54 महिलाएँ जो है इसमें सक्रिय तौर पर यहाँ पर शामिल थी। ठीक है, तो इसलिए जो ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन आपका रॉकेट वुमेन है और कौन जो है आपका मिसाइल वुमेन है। फिर उसी के बारे में नीचे आपका डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कल्पना की ये आपका जो क्या है इस मिशन का कार्यभार इनके ऊपर था और ये जो है उप परियोजना निदेशक थी। और रितु करिधल श्रीवास्तव इन्हें जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ और भी डिटेल है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो PDF है वहाँ पे इसे इंक्लूड कर दिया जाएगा इमेज के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखो आपको मालूम हो कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जब ये लॉन्च हो रहा था मिशन चंद्रयान 3, तो उस टाइम वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग में थे, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो फिर यहाँ पर भारत आने के बाद इसरो के सेंटर में जाते हैं। तो इसरो के किस सेंटर में जाते हैं, तो वो आपका जो सेंटर था जहाँ पे ये जाते हैं वो आपका था इसरो सेटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर, इस ट्रैक में गए थे बेंगलुरु में। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इसरो सेटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। वहीं ठीक है, सेटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, ये आपको याद रखिएगा। फिर कुछ और भी इससे रिलेटेड प्रश्न है जो आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 जिस जगह पे आपका लैंड करता है उस जगह मतलब जिस डेट में वो लैंड करता है उस डेट को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इंडियन मून डे, नेशनल मून मिशन डे, नेशनल स्पेस डे या विक्रम दिवस। तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त को लैंड करता है और उस दिन को जो है भारत में अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसका घोषणा किया गया कि भारत जो है 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा।
वहीं बोला गया कि चंद्रयान 3 ने जो है जहाँ पे लैंड किया उस जगह को किस रूप में जाना जाएगा, तो वो जो आपका शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाएगा जहाँ पे चंद्रयान 3 के द्वारा लैंड किया गया। और आपको मालूम होगा चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश लैंड हुआ था, तो चंद्रयान 2 जहाँ पे मतलब लैंड किया, क्रैश लैंडिंग किया, उस जगह को जो है वो अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये सारे न्यूज जो है वो यहाँ पे दिए गए थे, और ये आपका एग्जाम में मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से जो है ये आपका पूछ लिया जाएगा। तो आप ये सारे पॉइंट को जरूर याद रखें, शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 के लिए, और आपका जो है चंद्रयान 2 के लिए तिरंगा पॉइंट, और जो दिवस मनाया जाएगा वो आपका नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ठीक है, नेशनल स्पेस डे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोला जा रहा है कि जो आपका प्रज्ञान रोवर है उसमें पहियों की संख्या कितनी है, 4, 6, 8, 2। तो याद रखिएगा उसमें पहियों की संख्या जो है वो 6 है। फिर जो आपका चंद्रयान 3 है वो आपका पूरी तरीके से सफल रहा है, जितने भी कार्य इससे दिए गए थे उन सारे कार्यों को जो है इसने पूरा किया है। तो इसने जो ये भी पता लगाया कि कौन कौन से तत्व वहाँ पे मौजूद हैं, तो उससे रिलेटेड पूछा गया कि चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पर अब तक कितनी तत्वों की खोज की किन तत्वों की खोज की पुष्टि नहीं की गई है, ऑक्सीजन, यूरेनियम, एल्युमिनियम या सल्फर। तो देखो ऑक्सीजन का खोज कर लिया गया, एल्युमिनियम का खोज किया गया, सल्फर का किया गया, अभी तक आपका जो है यूरेनियम का यहाँ पे पता नहीं लगाया गया। दूसरा ये कि यहाँ पे जो है अभी तक हाइड्रोजन का पता नहीं लगाया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका लिप्स पेलोड था उसके द्वारा सल्फर की खोज की गई है, इसके अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इन सारे तत्वों की यहाँ पे खोज कर ली गई है। साथ ही जो आपका चंद्रयान 3 का पेलोड है वो ये भी बताया कि यहाँ का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री है और 80 mm नीचे जो है ये आपका -10 डिग्री चला जाता है। तो ये सारा फैक्ट जो है वो आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड था, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन सारे फैक्ट को याद रखें। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम आपको ऊपर में दिया हुआ है, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद फिर जो है जो आप इम्पॉर्टेंट है वो आप इसमें से याद रखिएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका है कहाँ पे, तो ये आपका श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में ये आपका स्थित है। उसके अलावा जो है और भी कई सारे, जैसे एक हम लोगों ने देखा था कि इसरो का जो है सेटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर है वो कहाँ पे, बेंगलुरु में है। और जो है जो आपका अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है वो आपका कहाँ पे, अहमदाबाद में है। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। और यू आर राव सेटेलाइट सेंटर, जहाँ पे जितने भी सेटेलाइट का निर्माण है, डिजाइन है, विकास है, डेवलपमेंट है, वो सारा काम किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है, यू आर राव सेटेलाइट सेंटर में। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका बेंगलोर में है। तो इसरो के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उन सभी का यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, तो आप चाहे तो इसको जो है एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस का जो मतलब अक्टूबर महीने का जो आपका पार्ट वन था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले सेशन में जो है हम लोग इसका पार्ट टू को देखेंगे, और पार्ट टू का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट टू, और पार्ट टू में हम लोग कवर क्या करेंगे, तो आपका जो है इकोनॉमिक का सेक्शन कवर होगा, उसके बाद फिर जो विविध है वो आपका कवर हो जाएगा, और स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, वो सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे अच्छे से डिटेल में कवर किया जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा, और वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, और PDF जो है वो कंबाइंड रूप में एक में ही करके दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।